Welcome to our YouTube channel Tech How What. Today's problem: fix error code 43 in Windows 11. So let's start, guys. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको भी यह दिक्कत आ रही है, फिक्स एरर कोड 43 फॉर यूएसबी। यूएसबी में ये एरर आना एक कॉमन बात है, तो इसके लिए आज हम कुछ सॉल्यूशन और टिप्स लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेथड नंबर 1। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा सर्च पे, और वहां पे सर्च करना होगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर पे एंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो हमें उसके बाद जाना होगा यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स पे। इस पे डबल क्लिक कर लेना है तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। और जो थर्ड नंबर पे यूएसबी कॉम्पोजिट डिवाइस है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन आएगा, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। अपडेट ड्राइवर के क्लिक करने के बाद हमें हमसे दो चीजें पूछेगा, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर और ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। हमें ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आएंगे, या तो ब्राउज करेंगे अपना जो मतलब डाउनलोड कर रखा है हमने, या फिर लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माय कंप्यूटर। तो हमें इसी सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा यूएसबी कॉम्पोजिट डिवाइस, इस पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद ऐसे हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद हमें सारा कुछ विंडोज क्लोज कर लेनी है। तो गाइज, ये था मेथड नंबर 1। कई बार ड्राइवर्स अपडेट ना होने के कारण भी हमें यह दिक्कत आती है। अगर आपका अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपके लिए आगे दो और मेथड है, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों मेथड नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है, अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो मेथड नंबर 2 को फॉलो कीजिए, जिसमें कि हमें अपने पीसी से सारे यूएसबी डिवाइसेस निकाल लेने हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, कुछ भी जो यूएसबी हमने लगा रखा है वो सब निकालने के बाद हमें उसे किसी और पीसी में लगाकर ट्राई करना है, और उसे थोड़ा टाइम देना है कि वो लोड हो जाए प्रॉपरली, उसके ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ लोड हो जाए। जब वो लोड हो जाएंगे, उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा ये, जब वो लोड हो जाएंगे तो उसके बाद हमें प्रॉपरली इजेक्ट करना है। इजेक्ट करने के बाद हमें फिर से अपने पीसी में लगाकर ट्राई करना है। कई बार ऐसा करने से भी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर ये भी आपके ऊपर वर्क ना करे तो प्लीज मेथड नंबर 3 को फॉलो कीजिए। अगर पहले दो मेथड से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो स्पेशल लैपटॉप यूजर के लिए ये मेथड है, जिसमें सबसे पहले हमें सभी यूएसबी डिवाइसेस को इजेक्ट कर लेना है। अगर आपने लैपटॉप से कोई कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, माउस कनेक्ट कर रखा है, सभी चीजों को पहले इजेक्ट कर लें। उसके बाद सेकेंड नंबर पे लैपटॉप को शट डाउन कर दें। थर्ड नंबर पे लैपटॉप की बैटरी निकाल लें। बैटरी निकालने के बाद 5 मिनट बाद उसमें फिर से बैटरी लगा दें और पावर बटन से ऑन करें। उसके बाद फिर से सारे यूएसबी डिवाइसेस को फिर से रीइंसर्ट करें। कई बार लैपटॉप्स में यह भी दिक्कत आ जाती है, और इस यह करने से सॉल्व भी हो जाती है। अगर अभी भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके और मेथड्स बता देंगे जिससे यह
200% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबर्स।